और ये खाना आ गया भाई बेहतरीन तरीके से। मैं आप लोगों को उठ के बताया इसीलिए कि आप लोग भी देखे तो ज़रा अच्छा दिखता। 65 है मटन रोगन जो हेलो पब्लिक, आज तुम व्लॉग के शुरू में आ गए क्या? व्लॉग के शुरू में इसलिए आए क्योंकि व्लॉग के एंड में भी हम वहाँ कुछ जहाँ दिखेंगे हम लोग दिखेंगे। तो अब नए व्लॉग के साथ वापस आ गए, यहाँ से एक जगह निकलना है। कटिंग कटिंग कहाँ कर रहे तुम? कटिंग बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई कटिंग के चक्कर में बहुत कटिंग कटिंग के चक्कर में कटिंग हो गई। महल्ले की छह दुकान जावेद हबीब को नहीं जाते भाई हम आए अब ले का जावेद हबीब को मांगा ना था जावेद हबीब का नाम कहीं काटता हमारे घर के पास यहीं जा झाड़कने बैठ के काटता था भाई पहले। वो है ना मदरे ना वो छोटा है ना रख ले के तीन वस्त्र रख ले के झाड़ों का बैठ के काटने वाला है अपने हाथ मदरे डिफेमेशन डाल दी गया उन्होंने। हबीब भाई जी यहाँ पे ठहर रहे थे तो कौन जावेद हबीब को बोल रहा जावेद भाई अपने अरे हो ये ना सही है। हाँ तो अब अपन निकलेंगे यहाँ से, आप लोगों को मिलेंगे रास्ते में मिलेंगे। నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని అన్నట్లేదు హమలా థోడా థోడా తెలుగు బిగ్ బాస్ దిఖ్ రే థే జిస్మే హమారే లోబో కయ్యూమ్ భాయ్ 619 లోబో 619 భీ హై తెలుగు బిగ్ బాస్ మే తో వే థోడా దిఖ్ లేతే జా రే థే హమ వహాన్ ఆప్ లోగ భీ సపోర్ట్ కరో వోట్ కరో కి రాక్ మౌత్ డాల్ దేతే హో నా తెలుగు మే खतरनाक क्या बोलना अच्छा चाहिए बंदा है भाई जबरदस्त बंदा है। मेरे ख्याल से तो बिग बॉस के हकदार हैं बिग बॉस के हकदार विनर होने चाहिए बिग बॉस तेलुगु सीजन 5। आप लोग वोट करो उनके वास्ते वोट करो भाई वोट करो बेहतरीन देखो तेलुगु जिसको जिसको आती लोगो को सपोर्ट करो लोगो 619 दुकान पे आके सेल्फी वेल्फी दिला देंगे तुम लोगों भी अच्छा बंदा है अच्छा बंदा है वोट करो मैं भी वोट कर रहा हूँ इन्हों भी कर रहे हैं मैं तो वोट करके टीका भी बताता हूँ मैं भी वोट करके दो उंगलियों में लगा लेता हूँ मैं एक बो का चोट भी डालने वाला हूँ उनका कमेंट्स में लिखो क्या क्या होना है आपको क्या है क्या नहीं डिमांड्स लोगों से तो हम लोग करा देते हैं राइट। बहरहाल जो भी है भाई समझ जाती पब्लिक अपनी पढ़े लिखे लोग पाम अरेबिया जा रहे भाई यहाँ से तो आप लोगों को रास्ते में क्या है पाम अरेबिया में क्या क्या है क्या है हर चीज़ बता डालेंगे बेहतरीन रिव्यू देंगे आप लोगों को वहाँ पे जाके कैसा है और जाने तक का भी रास्ता भी बहुत अच्छा है रास्ता भी अच्छा है सब अच्छा है आप लोग वहाँ जाके क्या है क्या नहीं सब बताएंगे। किसके यादों में है कि तुम इंटरव्यू दियो यार किसके यादों में है तुम ठीक है नहीं दिला तो रे भाई जो भी किसके भी यादों में है इन्होंने कमेंट मारो यहाँ पे असल लाइन सुनो
पेश करता है इरफान खादरी। आप ही करना भैया। अरे पेश करदा सोनी एंटरप्राइजेस की तरफ से इरफान कादरी। देखो बना है ये हसी ताज महल, कोई लिखे शामों दस की नोट नहीं है दौड़ा दे रहा बस बस हमेशा वो गुजरे हुए पल तू नहीं है। अरे 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 तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं। याद 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 बस याद रह जाती है। राइट याद याद ना। यह है देखो भाई एंट्रेंस क्यावार हो बनते को दिख रहा बनते को रहेगा क्या है कि यहाँ पार्किंग रहती पार्किंग में आ जाना और ऐसा गाड़ी रख देना पार्किंग में और मैं आप लोगों को अंदर चल के पूरा बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो हम लोग आते कि एंट्री में ये तीन रिक्शे दिखे तो उनका इम्तिहान लेने जा रहे हम ना ये रिक्शों का क्या है बैठना है। अरे कहीं तुम बैठे तो बैठ रहा हूँ मैं फिर ये तो वही तो इम्तिहान है कि तुम आपको बिठाते इन्होंने बिठाते। तो ये है रिक्शे यहाँ पे बैठना रहता कहते भाई भाई कोई है यहाँ पे। अरे 5 बजे खुलता कहते बैठ के देखो तुम ही बैठो मैंने बैठ रहा एक तो बैठ तू। अरे 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 ऐसा कैसा बैठू मैं हूँ जबरदस्त झूलो में झूलना है आ जाओ झूलो गाड़ियों में बैठना है वहाँ बैठो चाहे तो वहाँ नको पियो पी ले के आओ या फिर नीलोफर को जाके पियो खैर यहाँ भी पी सकते हैं भाई कोई भी जगह को डिफेम नहीं कर रहे हम लोग जावेद हबीब के ऐसा भी नहीं कर रहे हबीब भाई नहीं करते थे काम तो ये एंट्रेंस है बड़ा जगह है आ सकते है बच्चों को ले लेके आओ आओ और कहीं तुम ना प्रमोशनल वीडियो आए नहीं समझेंगे कुछ नहीं उल्टा देना पड़ता है यहाँ के मिलता कुछ भी नहीं दे देना रहता खाली। तो अभी एंट्रेंस है मैं बताता हूँ पूरा आप लोग और ये बेहतरीन एंट्रेंस यहाँ पे पूरे हट्स बने हुए रहते आप यहाँ पे भी बैठ के खा सकते अंदर जाके और यहाँ पे बफे कैसा रहता बफे मतलब पूरा खुला एरिया रहता वहाँ पे भी खा सकते हैं। यहाँ पूरा राइट साइड में पूरे बने हुए रहते हट्स ओपन सीटिंग ये है क्लोज सीटिंग अंदर है एक अंदर जाके बताएंगे पब्लिक को। हाँ बता सकते ये नीचे बैठने का वहाँ टेबलों का है। हाँ यहाँ पे नीचे बैठने का ये है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये रास्ता है इसमें क्लोज सीटिंग में जाने का मैं आप लोगों को अच्छा वाला देख के बताता हूँ कुप्पा रास्ता मगर ये पूरे दले हुए हैं यार वो फिल वक्त नहीं टेबल लोग हैं तो बैठने प्रॉब्लम मत ही बोल के है। ओहो व्हेन यू गो इनसाइड देन यू पुट इट राइट एंड दे विल क्लीन एवरीथिंग सैनिटाइज एवरीथिंग सैनिटाइज वैनिटाइज करके हर चीज हिसाब से कर देते हैं। अब कहीं वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा नक्को बोल के होशियारी के बाद हम हैदराबाद नहीं नहीं दिन में आ गए हम लोग रात में तो और जरा अच्छा रहता बड़ा अच्छा ठंडी हवाएं हवाएं और बेफिक्र रहो बारिश होंगी समझेंगे नहीं होती धूप का टाइम है नहीं होता कुछ भी बारिश हुई भी तो आ सकते हैं वाटरप्रूफ है बोलिए आ सकते हैं बेहतरीन है। और कितने की हट्स बने हुए हैं यहाँ पे अंदर आप लोग आइए आके देखिए अब हम लोग खाना भी बताएंगे कैसा रहता क्या रहता ये है असलियत। सब जने यहाँ से उठ के जो बैठ के देख रहे जो घरों में आर सी सी के घरों में बैठ के जो लोगों की भी असलियत यही थी हर कोई गरीब से अमीर वैसा है तो अब हम लोग अभी भी गरीब ही थे
बैठ ले लो, गरीब से गरीब हो जा रहे हम लोग। और तो अभी एंट्रेंस है यहाँ पे पूरा, ये ओपन सेटिंग है तो हम लोग भाई वो बने पूरे उसमें नहीं, बट अरे उस साइड खुला है, चलो खुली जगह बता दे के आएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर सीटिंग के वास्ते जा रहे हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये फैमिली सेक्शन है, तो यहाँ से है बैचलर्स के वास्ते। तुम कब कर रहे शादी? पहले खा लेके शादी करेंगे। तो यहाँ पे बैचलर्स के वास्ते उन्होंने रुक गए, रुके के क्यों तुम ये? चलो तो अब यहाँ से आके अपन पाँच नंबर में ये अंदर आ गए। बेहतरीन सेटिंग रहती है यहाँ पे ऐसा, तो आप लोग आओ आओ अंदर आओ, अंदर आइए, इस्तकबाल करते हैं हम। ये सिर्फ हमारे वास्ते दो जनों के लिए टेबल है, दो जनों के लिए इतना बड़ा टेबल है। तो आप लोगों में पूरे हम लोग सब हमारा है यहाँ पे, तो आओ खाओ। मैं बताता हूँ अंदर से भी कैसा रहा। सब्सक्राइब करो करते कर। और मैं एक अनाउंसमेंट भी करना है, वो खाए बात करता हूँ, देखते रहो। करो करो। तो ये सीटिंग है ऐसी, और ये टेबल है, और ये नो ऑर्डर अभी तो देख रहे मेन्यू। दियो भाई दियो ऑर्डर, तुम ही दियो इनो। ये मेन्यू देख लेते बैठे, उन्हें भी इज्जत से क्या करा ला के मेरे को दिया भाई। इन्हें दिख रहा खाने वाला, इसको ही दियो। तो अब हम वहाँ कई वेटर जो है खुशी होती है लोग खाने वाला बंदा आया। अरे हम नहीं खाते क्या? खाने वाला बंदा बोला। अरे हम बंदा नहीं है क्या? ऐसा कहता भाई। हम बंदा नहीं है तो क्या हम खुला है? कैसे बात आए ये? तो ये सिटिंग है, आप लोगों को मैं आगे का भी बताता हूँ क्या है। ओ भाई, और इनके वेटर को बुलाने का तरीका है। ऐसा बुला रहे क्या कि आवाज़ देना तुम उससे पहले के नाम बोले ना जानी तीस मार्का ऐसा बुलाते उन्हों। तो भाई यहाँ से एंट्रेंस मारेंगे, लाइट ले ले रहे हम लोग सुन के अनजान वाले। आप लोग को ऑर्डर देते शाम तक बैठ सकते हैं। अब फिर आ रहे एक जने आ रहे, मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई आ गए ऑर्डर लेने। भाई आपका नाम? सुजीत है, सुजीत है इनका नाम। मेरे को देखिए एक चिकन 65 होना, एक चिकन स्प्रिंग रोल होना। अरे कई को ऐसा कबाब में कुछ है? वीडियो ना लेना उनकी, हाफ कट कर दो। अच्छा तुम्हारी कट कर देंगे, आप नहीं दिखते तुम्हारी कट। और तो तुम बाहर ठहर जाते हैं, बाहर से मसला नहीं। ठीक है, स्प्रिंग रोल कहीं को नहीं है? टाइम लगता नहीं बना रहे? अच्छा नहीं बना रहे इतने, नहीं है क्या करो आप। ठीक है, चिकन 65 मटन रोगन जोश, चिकन 65 रोगन जोश, प्लेन नान दो, बटर नान दो, प्लेन नान दो, बटर नान 65 लिखे ना आप? हाँ सर, मटन रोगन जोश दो, प्लेन नान दो, बटर नान। हाँ चिकन 65 लिखे आप। हाँ और ड्रिंक में क्या बोलते हैं? दो कोक ला लो। कोक है? दो कोक ना, एक थम्स अप एक कोक। थम्स अप है सर। आपके पास सिर्फ बॉटल ही है या फिर कैन भी देते? कैन नहीं सर, ग्लास सिस्टम। डाइट में कुछ है? डाइट को दो थम्स अप ला लो भाई, थम्स अप ला लो भाई। अच्छा राइट, मैं आप लोगों को बाकी का ऑर्डर भी बताता हूँ। तो आप यहाँ बैठे हुए धूप में, खाना तो नहीं आया भाई अभी तक? खाना नहीं आया तो मैं सोचा खाने के बाद जो बोलने वाला था तो पहले बोल देंगे। बोल दो क्या है, हमारे थोड़े बहुत दो जने बहुत बड़े फैंस है भाई हमारे। एक तो आप लोगों को मालूम होगा, एक अब्दुल मजीद है। अरे वो बच्चा, वो मुखीत का खलेरा भाई कजन, मुखीत कजन। बच्चा जर्रा पहुंचने पे है एकेडमी में, उसका सपोर्ट करो आप लोग। और 3-4 मैसेज आना मेरे को, वैसे तो 10 मैसेजेस आ गए, और 4-5 मैसेजेस आना है आगे, तो क्या है 15 का टारगेट वहाँ का वो तो है। तो और क्या है, हमारे एक बहुत बड़े फैन है, पूरा दिख रहा नुमान हसन नाम है उनका, नुमान हसन के हस्ते शॉर्ट आउट है, शॉर्ट आउट टू नुमान हसन। और उनके अलावा देखो हमारे भांजे भांजिया हैं इमाद, पूरे फैमिली वालों के हस्ते है भाई, और स्पेशली मजीद अमरू है, स्पेशली मजीद तो ऑब्वियस है,
खुद से तो अपना मिले कहीं भांजा है समझी नहीं मैं होने की उनकी क्या आने की पकड़ के ला लेते उसको उठा के भांजा वांजा कुछ भी ना होता वो गलत फहमिया है वो कोई लोग तोहमता लगाने बैठे हुए हाँ भांजा बोल रहे भांजा है गाली कैसा है गांजा अरे मैं इधर उधर भी आ जाता हूँ उधर ये बात दूसरा भांजे थोड़ी हलना भूखे बैठे हुए हम लोग देखो कुछ भी खाना नहीं आया खाना नहीं आया कुछ भी नहीं बैठे खाना आता हूँ बल्कि आ जाता ये जो बेकार है ये बीच में जरा रहा सांदों सांदों में से हवा आ रही पंखा खुलाने का से बुला रहे भूल जा रहे बुला रहे उन्हें आके एक प्लेटा रख दे के चलेगा सब कर दिया दो प्लेट दो मगर उसको पंखा नहीं खुलाया टिश्यू रख दिया पूछ लो पसीना बोल दिया चलेगा लेट है तो अब हम लोग सीधा खाने के साथ मिलेंगे खाने के साथ मिलते हैं राइट खाने का अपना नजर लगाना नहीं नहीं लगाते नहीं लगाते आके खा लो कितना खाते राइट तो अब थम्स अप आ गया देखो भाई शुक्रिया थम्स अप लाओ बोले तो ना थम्स अप ला दिए बेहतरीन तरीके से भाई फैन खोलो ना अरे अबा जब से नहीं बताया भाई खटका यही था खटका खटका यही था खोल दिए तो अब थम्स अप पी के खाना शुरू करना है आराम और ये खाना आ चुका है बेहतरीन तरीके से इन्हें सर्व कर रहे थोड़ा डालो थोड़ा और वहाँ पे भी रखा हुआ है पूरा हमला जो भी है डाल लेते आगे रख दो पूरा आगे कर दो खिराक तरीके से खाना आ गया अब आप लोग सीधा अपन खाने पे मिलेंगे और ये खाना आ गया भाई बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को उठ के बताया इसीलिए कि आप लोग भी देखे तो ज़रा अच्छा दिखता 65 है मटर रोगन जोश है कबाब है बटर नान है प्लेन नान है थम्सअप है तुम आपको थम्सअप नहीं लाया अरे पी लिए अरे और एक थम्सअप लाने गया ना तो आप लोगों को सीधा यहाँ से अपन खाने पे मिलेंगे खाने पे और ये बेहतरीन पीठ देके बैठे देखो भाई क्या कर रहे तुम ये अल्लाह तक दे दिए इसको देख बोलते काड़ी गन्ना मगर दांत में नामा नहीं कर देना काड़ी सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लेकिन ये वीडियो दोनों के वास्ते है वीडियो दोनों के वास्ते है हमारे बहुत दोस्त हैं वेजिटेरियन भी तो ऐसा पीट दे के बेहतरीन बैठ गए अब आप लोगों को सीधा बाहर निकल के और क्या क्या है यहाँ पे बनाए कोई ताजमहल बताएंगे बाहर का कोई हसी ताजमहल राइट तो अब तो यहाँ से खा लेके निकल गए कैसा था खाना खाना जबरदस्त खाना भाई बेहतरीन खाना रहता है खिराक खाना रहता है यहाँ पे आप लोग भी आओ और मलाई कबाब था ना वो मलाई कबाब अच्छा बहुत मलाई कबाब ज़्यादा अच्छा था टेस्ट कर सकते हैं आप लोग आके यहाँ पे मलाई कबाब भी बेहतरीन दोस्तों के साथ आ सकते हैं और हमारे को फोटो लेके कमेंट में शेयर भी करो आके खाए आओ आके खाए बोल के टैग करो इंस्टाग्राम पे भी तो आप लोगों को आगे और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर बताएंगे और ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि और यहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के वास्ते यहाँ पे आके झूले वूले हैं यहाँ पे छोटा सा गार्डन है फ़ोटोज़ वोटोज़ अच्छा खींच सकते हैं आप लोग आके इंस्टाग्राम पे डालने करने जो भी है और यहाँ पे किड्स प्ले एरिया टाइप है किड्स प्ले एरिया समझ सो इसको अब आप ये किड्स के वास्ते इंतज़ाम ये कार्टून्स ये गोरिल्ला और ये पूरा किड्स के वास्ते इंतज़ाम है यहाँ पे आओ आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आके बेहतरीन और ये मैं बाहर से वो साइड से बताता हूँ आप लोगों को ये वो क्या है यहाँ तो किड्स प्ले एरिया टाइप है यहाँ पे छोटे बच्चे बैठ के आइसक्रीम वाइसक्रीम भी है यहाँ पे क्रीमी जंक्शन में और ये यहाँ पे जिराफ बच्चों के वास्ते थोड़ी फैसिलिटीज़ है समझो यहाँ से डकाम भी है बच्चा खेल रहा वहाँ पे वहाँ कोने में डायनासोर है और ये एंट्रेंस भी कुप्पा है आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ मैं
बच्चे खेलने के वास्ते अच्छा एरिया है, फैमिली के साथ आ सकते हैं, कई फैमिली आ गए, आप सबको तो नहीं बता सकता मैं, आप लोग भी आओ फैमिली के साथ आके एक्सप्लोर करो। और यहाँ पे एक फन मेनिया भी है जिसमें वाटर बोट, ट्रेन, पंडनियारा, बाउंसर, बलून शूटिंग, बो एंड एरो और जॉइंट व्हील, ये सब चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को चल के बताता हूँ। वाटर बोट बोले तो बड़ा समंदर नहीं है ये वाटर बोट, वहाँ बोटा कोने में पड़े हुए हैं, बच्चों के वास्ते अच्छा है। और इनका नाम, इनका नाम क्या है कि इनका नाम है झूला, और ये बंजी जंपिंग है, छोटे बच्चों के वास्ते अच्छा ये भी। अपन उछल के बाहर आ जाते, मैं तो उछला तो सीधा नीचे लग के ऊपर आते तुम तो ये बच्चों के वास्ते है। और ये है देखो अडल्ट्स, ओनली फॉर अडल्ट्स, ओनली फॉर अडल्ट्स नहीं है, बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छा बताता हूँ, लेकिन वजन का क्या है, लिमिटेशन है ना, एक उसमें बड़े हो अकेले तुम तो भी लिमिटेशन नहीं रहता हो। तो ये बेहतरीन है, खास चीज दिखाना चाह रहा हूँ मैं, खास बगर उसके दियो, इधर आते जाओ मेरे करीब, देखो आ रहा हूं मैं, मेरे करीब आते जाओ, अंदर देखो जान के, आई यू वांट टू सी दिस, अरे अरे अंदर दिख रहे हो ना, दिख रहे, दिख रहे यार, दिख रहे, दिख रहे, ये अब दिख रहे, ये बिलावड़ बिल्ली है वो। अरे तो यहाँ पे बिल्लियाँ भी है, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं आके। हाँ। और झूला बताओ, झूला बेहतरीन झूला है। तो आप लोगों को मैं आगे का भी दूसरा बताता हूँ, ये तो पामरे बियाना में इतने सब चीज़ें हैं करने के वास्ते। यहाँ पे गो कार्टिंग भी है, वो भी 5 बजे खुलती है, अम्यूजमेंट पार्क है, और ये ATV ट्रैक है, पामरीना है। ज़्यादा तो खाने के वास्ते अच्छा है, मगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ईट, प्ले एंड पार्टी, ये सब चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। बैंकेट हॉल भी है, आइसक्रीम भी है, बैंकेट हॉल भी है, नूर बैंकेट हॉल है तो बोले रहे थे अंकल मगर खोल डाले आप लोगों को आगे का भी बताएंगे। और ये यहाँ पे बैंकेट हॉल टाइप था, अब फिलवक्त कैफ़े था ये, मगर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़रा रिनोवेट इनोवेट कर रहे। और वहाँ पे बच्चों के वास्ते गेमिंग जोन भी है, मैं आप लोगों को गेमिंग जोन भी बताता हूँ। ये तो रिनोवेशन चल रहा कैफ़े का, कैफ़े के हिसाब से अच्छी जगह है, छोटी, कॉफ़ी वॉफ़ी चाय पी के जा सकते हैं। मैं आपको खेलो गेमिंग जोन भी अंदर जाके थोड़ा बता देता हूँ। और वहाँ पे आप लोगों को पीछे गो कार्टिंग दिख रहा होगा, ये तो छोटे गाने दे देते, असल पीछे उधर दूर दूर कहीं गो कार्टिंग है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा है गो कार्टिंग, खुला नहीं होगा मगर फिर भी। और ये क्या बोलते कि इसको, जो भी बोलते हैं, अच्छी चीज़ है। गेमिंग जोन बंद है फिल वक्त के लिए, कितने बजे खुलता कि 5 बजे खुलता नहीं बोल रहे ना, मगर यहाँ पे गेमिंग जोन में बहुत सारे चीज़ें हैं। और ये गो कार्टिंग है, और वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट अरीना, फुटबॉल अरीना, हर चीज़ है। किराक है, फैमिली के साथ आइए, दोस्तों के साथ आइए, किसके भी साथ आइए, मज़ा कर सकते एकदम बेहतरीन तरीके से। जायंट व्हील यहाँ से बेहतरीन दिख रही, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अच्छी है, नुमाइश की और ख़तरनाक है, मगर ये भी अच्छी है। और इन्हों बेसहारा बैठे हुए हैं यहाँ पे, पानी का बोतल रख लेके। जायंट व्हील के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो जायंट है लेकिन मेरे से जायंट नहीं है इनसे जायंट नहीं है, अभी खुला भी नहीं, रात में आ सकते हैं यहाँ पे, हर चीज़ कर सकते हैं रात में आके, दिन में आके खाने एनी टाइम है, झूले वूले का मजा लेना है, सब चीज़ें एक्सप्लोर करना है। तो बच्चों के साथ रहे तो 5 बजे के बाद डिनर कैसा हो जाता है, हाँ 5 बजे के बाद आए तो कैंडिला और क्या बोलते हैं उसको, काडब्बी 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 भी घर से ला लेना। हाँ एक ही बार आते, बात बात आते क्या, अब पकाएंगे कभी रात में भी आके, जब भी बताएंगे आप लोगों को। तो अब खाना तो खा लिए, अब क्या बोलते हैं
कोसा पीवी नरसिंह मारो एक्सप्रेस वे पे आ गए। तब यहाँ से कहाँ जा रहे? यहाँ से कहाँ जा रहे? पब्लिक बोलती। अब ये तो ऑब्वियस है, एयरपोर्ट शुरू हुआ तो मेहदीपट्टनम खत्म। मेहदीपट्टनम पे तो तर जाते, उतर के कहाँ जा रहे वो पब्लिक बोलती। मालूम होगा सबको, हर व्लॉग सबको मालूम होगा, चाय पीने हर व्लॉग में जान जाते हैं वहीं जा रहे। कैफे नीलोफर, कैफे नहीं है वो, प्रीमियम लॉन्च फुल अमला पैसे आए क्या समझे खाली वहाँ थोड़े वहाँ गरीब थे या पैसा आया फुल रस्ते में मिले थोड़े ले लेगा चल यार। प्रोविडेंट एक छोटा अमाउंट आने का था आ गया तो उसी खुशी में प्रीमियम लॉन्च। प्रीमियम लॉन्च के सामने एक हेडक्वार्टर्स खुल रहा करते पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ वो मेरे ख्याल से हैदराबाद की सबसे बड़ी और जबरदस्त बिल्डिंग है। बड़ी तो नहीं होंगी मगर जबरदस्त होंगी। केसीआर से वहाँ तक का दिख रहा मालूम। तो मैं क्या चाह रहा हूँ तुम अब कैमरा पलटा के दिखाना वो बिल्डिंग दिख रही। हाँ दिखती मैं बताता हूँ आप लोग वो दिख रहा सामने वहाँ पे वो बिल्डिंग के ऊपर है बताता हूँ मैं थोड़ा और आगे गए तो आपको करीब से दिखता बताता हूँ मैं बताता हूँ बेशक बताइए। यहाँ से सीधा नीलोफर तुम ला लाइव शहर हैदराबाद है कहीं अपना शहर खामोशा समझेंगे। शहर हैदराबाद पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से, पूरा तो नहीं मगर पूरा दिख रहा है। पीछे का ना दिख रहा खाली, सामने जो भी है दिख जा रहा। और वो अलग कोने में एल शेप, एल नहीं जो भी शेप है, बॉक्स वॉक्स जो भी समझ सकते हैं आप, वो है नीलोफर की बिल्डिंग। नीलोफर की नहीं, नीलोफर के सामने की बिल्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स। भाई पुलिस हेडक्वार्टर्स बनने वाला है, क्वार्टर्स है कि हेड ऑफिस है कि बहरहाल भाई जो भी है पुलिस का है करा देंगे जो भी है। और ये आगे कैफे नीलोफर प्रीमियम लॉन्च ऐसा रहता है। ये हमारे पुराने वॉचमैन जो बताते पूरा, और इन्होंने वाले वाले हैं कैफे नीलोफर की रात तरीके से पार्क हो रही गाड़ी। मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके साथ ऑर्डर क्या है। क्या लाते? एक पेजलम सोडा स्वीट, एक मस्का बन। नहीं यार ओपन मस्का को खा ले क्या हम लोग। चाय फ्रेश लेम सोडा ला लो, एक कड़क चाय ला लो मालूम ना तुम बाबू, और एक ब्रू कॉफी ला लो ऊपर का फोन निकाल के। फेरोज कहाँ गए? की तबीयत खराब है, गाँव गए एक महीने के बाद। अरे अरे विल प्रे फॉर हिम, टाइम लगता है उनको। यू नो इनका नाम क्या है, नाम क्या है आपका तुम्हारा? साजन। साजन जी घर आए, इनके नाम पे था वो गाना साजन। अच्छा साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्मा है, दुल्हन क्यों शर्मा है कहते हैं। तो एक टूथपिक भी ला लो, थोड़ा ला लीजिए प्लीज। राइट हम लोग यहीं वेट कर। और ये ऑर्डर ला लिए विदाउट फॉर्म कॉफी। टूथपिक लाए दादा भर के नहलाना, ये भी सीख गए तुम जरा वो ला लो अभी जरा अर्जेंट। तो बेहतरीन ऑर्डर देके चले गए साजन जी। साजन जी कार आए ऑर्डर देके जाए। लींबू कितना लींबू, कितना लींबू पीते भाई तुम? बस कर दे रहे लीमो आ पी पी के तो तारा कर देता हूं। क्या हो क्या बोल रहे थे? हां पूरा बंदिश बंदिश कर दे के तबाह कर देता तबाही कराना है तो मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं कि ले ले मार के करके पूरा अड़चीस कर देते हैं। अपनी चांदी अपने को अपनी चांदी अपने को आती वो ला लेना ऐसा कांच का बोतल, आपका कांच का बोतल आपको वापस दे देते उतारा करके भी जाए थे। ठीक है चलो राइट। तो कैफे नीलोफर के अंदर नहीं जाने का राज क्या है? दो राधा है एक बोलो हमारे से ज्यादा प्रीमियम नहीं है वो, हमारे से गाड़ी से ज्यादा प्रीमियम नहीं हो सकता हो। दूसरा राज ये है उसका अलग ब्लॉग आता, उसका एक ब्लॉग बेहतरीन डालना है, असल उसके ओनर के साथ डालना है भाई। तो इंतजार में हूँ जरा उनका फोन वोन लग गया करा तो करा देना है वो एक नया बेहतरीन व्लॉग नीलोफर के नाम।
करना है इसलिए अंदर नहीं जाते हम लोग, ऐसा आया था बाहर बैठ। शहबाज खान और एक यूट्यूबर हैदराबाद के, तो उन्होंने क्या करें, उन्होंने भी डाले सपोर्ट करो लोगों को बोलिए। वाह, उनके तेलुगु लोगों वोट करो, इतने भी तेलुगु व्यूवर्स हैं अपने, लोगों को वोट कीजिए। బోల్ స్టార్ స్టార్ वोट कर दो आप ना, बोले तो तुम लोग क्या करते, सब्सक्राइब लाइक तो वो भी नहीं कर रहे, लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। माचिस की क्या जरूरत है डाली उसके बाद का बोलो, तरक्की से डलाएंगे बोल के वीडियो लेने का, डिक्की खोल के डिक्की के ऊपर 3 मिलियन सब्सक्राइबर लिखना है तो कब करना है भाई, तो पूरे मिलियन सब्सक्राइबर्स आप लोग कर डालो एक वीडियो पे अपन कर देंगे। आप लोगों का लव बहुत मिल रहा भाई किंग इरफान वाइटी के चैनल पे भी, बेहतरीन क्या व्यूज है, क्या सबसे बड़े फैन है उनको बुरा दिख रहा है, सबको कहीं को बुरा दिख रहा भाई, किसी को बुरा नहीं दिख रहा, नोमान को बुरा दिख रहा है, नोमान बच्चा हो के खिलाना है बाकी है, वो खिलाना है, अरे मलाई खा ले, 8 साल से फिरा रहा है भाई मलाई बन, एक 2 साल रुक जा खिला देता उन्हें, अरे मलाई बन है, अरे 10 साल तो भी रुकना, एक मलाई बन के वास्ते एक मलाई बन को 10 साल तो भी मलाई बन कैसा लेके गए तुम खालिक मसीह को अकेले के लिए, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है चलो अपन आप लोगों को रास्ते में मिलेंगे, तो खा लिए चाय पी लिए, तो क्या है प्रोसीजर बोलते ना पर सब क्या क्या करें, आज पान भी खा लिए, कैसा था आज का खाना, आज का व्लॉग, खाना व्लॉग सब अच्छा था, बेहतरीन था, लाइक भी कर दिया हमें तो ये ना करेगी नहीं कर दिया, कर दिया पूरे लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज कर देती पब्लिक अपनी, तो याद है ना क्या क्या बोले हम, एक तो शॉर्ट आउट बोले, एक तो लोगो गारू को वोट चाली, वोट चाली बोले, और हम ये भी बोले कमेंट फॉर मजीद बोले और हम ये बोले कि पामरी भी अच्छी जगह है, जाइए खाइए, जरूर जाना, जरूर बच्चों के साथ जा रहे तो शाम में जाओ 5-6 बजे के टाइम पे जाओ, और बारिश भी होगी तो जा सकते, नहीं नॉर्मली भी 5-6 बजे जाओ भाई आप लोग, आप हमारे को दूसरे काम आ 10 रहते हैं बोलिए जल्दी चले गए रहते तो चलते रहता ऐसा है, तो क्या है चाय पीना है तो मालूम है आपको कहाँ जाना, चाय का तो परमानेंट हिस्सा है, और याद रखो पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन किसी का नहीं है, ना नीलोफर का है ना पामरी का है, हम लोगों को पे कर रहे हैं प्रमोशन के वास्ते वो लोगों के, तो अपन आप लोगों को मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक वालेकुम सलाम, राइट।